अगर आप भी एक महीने में अपनी 36 की कमर को 32 की करना चाहते हैं तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप थायराइड, PCOS, PCOD की प्रॉब्लम से थक हार कर ये सोच के घर बैठ गए हैं कि आपका वजन कम नहीं हो सकता, तो भी आज का मेरा ये वीडियो फॉलो जरूर करिए, आपको विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देरी किस बात की, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करना, ठीक है, और ऐसे खूब सारा प्यार देते रहना। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेपर लिया। आपके पास स्टेपर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक चौकी ले सकते हैं या मूड़ा ले सकते हैं, थोड़ी सी हाइट ले लीजिए, ठीक है। तो हम करने वाले हैं हाफ क्रंचेस। क्रंचेस बहुत लोग करते हैं और आप लोग क्या कंप्लेन करते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं आ रहा। फर्क क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बेकार होता है। जब हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी करते हैं, तो जब मसल को हम एंगेज ही नहीं करेंगे तो उससे आपके वहां पे लोड नहीं पड़ेगा और आपकी मसल स्टोन नहीं होंगी, ठीक है। तो उसका ध्यान आपने रखना है। आप ध्यान से सुनते जाइएगा और फॉलो करिएगा। आप पहले से लेट जाइए सीधा। सीधा लेटने के बाद में आपने अपने हैंड्स को ऐसे पीछे लॉक कर लेना है, इस तरीके से लॉक कर लीजिए। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को हाफ लिफ्ट करना है। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे आपको सांस छोड़ना है, नीचे जाएंगे तो सांस खींचना है। कैसे, देखिए। आप देख रहे हैं, प्रॉपर मैं सांस छोड़ रही हूँ। सांस छोड़ने के साथ मैं अपने पेट को ना स्क्वीज कर रही हूँ अंदर से। तो ये चीज आपने फॉलो करनी है और हाफ क्रंचेस को आपने करना है एटलीस्ट 10 times और उसके करने हैं आपको 5 sets। रिलैक्स, 10 seconds का ब्रेक, देन अगेन आपको उसको रिपीट करना है, इसके रैप्स करने हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, इसी तरीके का मैट या मूड़ा रखना है। अब आपको फुल क्रंचेस करने हैं, पैर ऐसे ही रखने हैं आपको। अपनी बॉडी को पूरा, अपने हाथों को पीछे लेकर जाइए और अपनी बॉडी को पूरा उठाने का ट्राई करना है और अपने टोस को टच करना है। ऐसा आपको 10 बार करना है और 10 के करने हैं आपको 3 sets। हो सकता है आपका जो पेट है वो ज्यादा हो तो आप एकदम से टोस को टच ना कर पाए, लेकिन जितना मैक्सिमम अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आना है तो उससे क्या होगा, आपका पेट अंदर स्क्वीज होता है और आपको अपनी मसल्स को टाइट खींच के रखना है। जब आप ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़ते हुए, जब आप नीचे जाएंगे तो सांस लेते हुए, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उस पे बहुत फोकस करें। और उसके बाद अपने पेट को बस हर एक्सरसाइज में आपने खींच के रखना है, कोर मसल को ना जब आप एंगेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब आपको इसको रिपीट करना है 10 times और इसके करने हैं आपको 3 sets। थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, लेग रेस करना है। लेग रेस पेट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसके लिए आपको अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करना है। बिना इसके मत करेगा, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी बैक इंजरी हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद आपको अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है और बस इतना लेवल का रखना है। यहाँ पे मैंने इसको क्यों रखा हुआ है, स्टेपर को, तो आपको एक लेवल मेंटेन करना है, जमीन से टच नहीं करना, ना ही आपको स्टेपर से टच करना है। आपको यहीं से ऊपर लेके जाना है, यहीं तक ऐसे बिल्कुल ऊपर रखना है इसे स्टेपर से और दोबारा ऊपर उठाना है। ऐसा आपको 10 times करना है और 10 आपको इसके करने हैं कम से कम 5 sets। इसको आप जितना मैक्सिमम कर सकेंगे ना उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को साइड्स पे लेके जाना है। तो आपको इस तरह का एक स्टूल या मूड़ा रख लेना है, या स्टेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ना लेवल मिल जाएगा कि आपको पहले अपनी लेग्स को इस साइड लेके जाना है, फिर इस साइड। उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ का फैट है वो लूज हो जाएगा, आपकी बॉडी को, आपके पेट को एक कट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको करना है 10 times और उसके करने हैं आपको 3 sets, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।